अब हमने विस्तार से बात करते हैं नीमच के बहुचर्चित रेलवे ठेकेदार अक्षय गोयल के झूठे अफीम प्रकरण की। कुछ दिन पहले हुए इस अफीम प्रकरण में नीमच पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है और इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रेलवे ठेकेदार अक्षय गोयल की कार में अफीम सार्वजनिक क्लब के चौकीदार ने रखी थी। कारण बताया कि वह मुखबरी का इनाम लेना चाह रहा था, लेकिन पुलिस का यह खुलासा लोगों के गले नहीं बैठ पा रहा है। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। नीमच के बहुचर्चित रेलवे ठेकेदार के अफीम जब्ती को लेकर नीमच पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया। इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन न करते हुए प्रेस नोट जारी कर पूरे मामले का खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने जो खुलासा किया कि रेलवे ठेकेदार अक्षय गोयल की गाड़ी में अफीम रख झूठा फंसाने का षड्यंत्र सार्वजनिक क्लब के चौकीदार लोकेश उर्फ रजनीकांत पिता दुलेचंद्र सोलंकी ने किया। उसे मुखबिर से मिलने वाली राशि के लालच में यह अपने साथियों के सहयोग से 1 किलो अफीम लाकर रेलवे ठेकेदार अक्षय गोयल की गाड़ी में रखवा दी। इस षड्यंत्र में लोकेश ने अपने साथी श्यामलाल पिता गिरधारी लाल भांबी निवासी बहुरासा का भी सहयोग रहा। इन दोनों ने अपने एक और साथी को साथ लेकर लोकेश सोलंकी ने रेलवे ठेकेदार अक्षय गोयल की होंडा सिटी गाड़ी क्रमांक MP09CV3567 में अफीम रखकर पुलिस को सूचना दी। इस पर जावत पुलिस के सब इंस्पेक्टर कमलेश गोड़ अपनी टीम लेकर कार्रवाई करने पहुंचे। यह षड्यंत्र लोकेश और उनके साथियों ने पुलिस से मिलने वाले इनाम की राशि को लेकर रचा। 17 नवंबर को बघाना क्षेत्र से अक्षय गोयल जी की होंडा सिटी कार को पुलिस ने चेक किया था। उस कार में बोनट के पास 1 किलो अफीम रखी पाई गई थी। उस पूरे घटनाक्रम की जब जांच की गई तो ये पाया गया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा उनको फंसाने की नीयत से ये पूरा घटनाक्रम रचा गया था। प्रथम दृष्टया जब इसमें हम लोगों ने पूरी जांच की, जिन लोगों के द्वारा ये पुलिस को सूचना दी गई थी उनके बारे में जब जानकारी एकत्रित की गई तो पूरी कहानी आज जो सामने निकल के आई है, ये पाया गया कि क्लब जहाँ पर वो बैडमिंटन खेलने जाते थे वहाँ का केयर टेकर लोकेश उर्फ रजनीकांत मालवी, उसका साथी श्याम बुनकर उर्फ श्याम भामी और एक अन्य व्यक्ति है जिसके द्वारा अफीम उसको दी गई थी। ऐसे 3 व्यक्तियों का सीधे सीधे इसमें इन्वॉल्वमेंट पाया गया। घटना के 4 दिन पूर्व श्याम द्वारा अफीम ले आके लोकेश मालवी को दी गई थी और लोकेश द्वारा उसको ये बताया गया था कि मेरे द्वारा कोई बाहर का पार्टी आ रही है उसको ये माल देना है। इस लालच में वो श्याम ने ले आके उसको अफीम दी थी। घटना दिनांक को लोकेश द्वारा पुलिस को ये सूचना दी गई थी कि उसके द्वारा एक व्यक्ति यहाँ पर है जो अफीम लेके जा रहा है और उसकी गाड़ी में अफीम रखी गई है। उस सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की और उस गाड़ी को रोका था और उसमें अफीम पाई थी। सर, इस आदमी को जो टारगेट किया गया था उसके पीछे कोई व्यक्तिगत व्यवस्था निकल के आई, रीज़न क्या रहा इसको टारगेट करने का या पीछे वाला था? प्रथम दृष्टया इनको था कि इसमें कुछ जो इनाम मुखबिर इनाम मिलते हैं और अन्य जो लालच है और पीछे जो श्याम और उसके पीछे एक अन्य व्यक्ति है जो कि अभी हमारी कस्टडी में नहीं है, उसके लिए टीम गई इसलिए उसका नाम अभी उजागर करना उचित नहीं होगा क्योंकि ये सोर्स कहाँ से अफीम आई थी वो भी हमें ज्ञात हो गया है। लेकिन ये 2 व्यक्ति जो सामने थे इनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। आज गिरफ्तारी हो गई, कल माननीय न्यायालय में उनको प्रस्तुत किया जाएगा। अन्य जो व्यक्ति है उसको भी हम लोग बहुत जल्दी ही गिरफ्तार कर लेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में प्रथम दृष्टया जो मुखबिर सूचना होती है और उसमें उस सूचना को सही मानते हुए पुलिस ने, जावत पुलिस ने ये कार्रवाई की थी। उस कार्रवाई के दरमियान कुछ लापरवाहियां हम लोगों को आई जिसके कारण एक उहापोह की स्थिति यहां पर उत्पन्न हुई थी। इस मामले में बड़ा सवाल यह उठता है कि 1 किलो अफीम आरोपियों ने कहां से खरीदी। अगर उनके पास अफीम थी तो तस्करी में ज्यादा रुपए मिलते, न कि मुखबिरी के इनाम में। मुखबिर की सूचना बघाना पुलिस को देने के बजाय जावत में सब इंस्पेक्टर कमलेश गोड़ को ही क्यों दी। इन तमाम सवालों को लेकर पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, जिस पर जांच को लेकर एसपी मनोज कुमार राय ने नीमच CSP को नियुक्त किया है और इस मामले में SI कमलेश गौड़ सहित 4 लोगों को निलंबित कर दिया है।